देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र में राजपूत समाज के सैकड़ों लोगों ने हाईवे पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करते हुए हाईवे पर जाम लगा विरोध जताया। वहीं राजपूत समाज के लोगों की मांग है कि फिल्म पद्मावत को बैन किया जाए। राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि अगर कल फिल्म पद्मावत रिलीज हुई तो सिनेमाघरों में आग लगा दी जाएगी। वहीं राजपूतों द्वारा हंगामा बढ़ता देख भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात कर दी गई है। दरअसल मामला थाना भवन क्षेत्र के गांव हरड़ फतेहपुर का है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे को जाम कर फिल्म पद्मावत के विरोध में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। राजपूतों की मांगे है कि फिल्म पद्मावत को बैन किया जाए और अगर फिल्म किसी भी सिनेमाघरों में दिखाई जाती है तो सिनेमाघर को आग के हवाले किया जाएगा। वहीं मौके पर मौजूदा भीड़ ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। राजपूत समाज का ये भी कहना है कि मंत्री सुरेश राणा को उनके बीच लाया जाए, जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक राजपूत समाज जाम नहीं खुलने देगा। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से फुरकान जंग की रिपोर्ट। मेरा नाम ठाकुर रोशन सिंह कुंडीर। सर, हमने ये जो हाईवे जाम किया है इसलिए किया है क्योंकि हमारी जो ये मूवी इन्होंने बैन नहीं करी। कोई भी सरकार, कोई भी प्रदेश सरकार, कोई भी केंद्र सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं कर रही, इसलिए हमने दिल्ली हाईवे सहारनपुर रोड जाम किया है। हम इस रोड पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, चाहे हमें एक दिन लगाना पड़े, दो दिन, चाहे दस दिन, चाहे महीना हो जाए, हम इस रोड पर से नहीं उठेंगे। अभिषेक प्रताप सिंह, फिल्म पद्मावत बैन की जाए, पूरे भारत में बैन की जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे स्वाभिमान के साथ, आत्मसम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सब जो नौटंकी इस देश के अंदर चल रही है हमारे इतिहास को मिटाने की, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसे बैन किया जाना चाहिए। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पहले भी पलटे जाते रहे हैं। जलीकट्टू कांड जो हुआ था एक तमिलनाडु में, उसका भी फैसला बदला गया था, इसका भी फैसला बदला जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसे बंद कर सकती है, उनके पास कानून की ऐसी धाराएं हैं जिनके तहत इन्हें बंद किया जा सकता है। केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि वो अध्यादेश लाए, इसे बंद करे, तब तक हम सड़कों से नहीं उठेंगे। अगर फिल्म रिलीज हो गई, जिस हॉल में भी, सिनेमा घर में भी फिल्म रिलीज होती है, उसका परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार रहे, हॉल को आग के हवाले। देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।